हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे गैल्वेनोमीटर के रिमेनिंग टॉपिक को, जिसका नाम है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था और क्लास 12 के चैप्टर 4 के हर एक लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर को समझेंगे, जिसमें सेंसिटिविटी क्या होता है। तो इससे अगर आपने गैल्वेनोमीटर के पहले लेक्चर को नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल इन सारी चीज़ों को नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा आई बटन पर, तो आप जाकर देख लें और फिर उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, तो सेंसिटिविटी की। तो ये गैल्वेनोमीटर है और इसके सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे या उस पर कैसे काम करेंगे, तो देखिए सेंसिटिविटी के लिए दो तरह का सेंसिटिविटी होगा। एक होगा करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, और दूसरा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी, और इससे पहले हम लोग जो फॉर्मूला लाए थे वो ये फॉर्मूला था, I = φ k NAB। ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, जिसमें फाइ इंटू जी मतलब जी की जगह जी इज इक्वल टू क्या है K NAB। इस पर तो जब हम करंट सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, तो जो ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो सेंसिटिव होने से फायदा ये होगा कि माइनर से माइनर करंट को भी, ठीक है, जैसे कोई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको अगर आप हल्का सा भी कुछ बोल देंगे कि तुम पागल हो, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई या कुछ भी एग्रेसिव हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है, उसे इतू सा भी कुछ मत कहो, नहीं तो वो गुस्सा करने लगेगा। तो सेंसिटिविटी मतलब समझ में आ रही है आपको कि सेंसिटिविटी या सेंसिटिव कहने का मतलब कि वो माइनर पर भी रिएक्ट करे, तो जो माइनर पे भी, एकदम माइनर पे भी रिएक्शन दे, उसे हम कहते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो सेम चीज़ यहाँ हम गैल्वेनोमीटर के साथ करेंगे कि अगर इसके सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे तो माइनर से माइनर करंट के लिए भी ये रिएक्ट करेगा और हम पता लगा लेंगे कि इसमें करंट है। सेंसिटिविटी दो तरह की होगी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अब देखें कि अगर यहाँ पर अब एक चीज़ समझे कि सेंसिटिविटी करने का मतलब क्या है, कि अगर फाई डिफ्लेक्शन पर करंट दिखा रहा है कितना, फाई डिफ्लेक्शन करंट कितना है आई, या ये कहें कि अगर हम फॉर आई डिफ्लेक्शन इज फाई अगर आई करंट के लिए फॉर करंट आई डिफ्लेक्शन इज फाई, तो फॉर यूनिट आई डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इज फाई अपॉन आई, और ये जो फाई अपॉन आई है इसी को हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, फाई अपॉन आई। मतलब कि अगर फाई आई अगर कम होगा, यहां देखें कि आई सेंसिटिव, आई अगर कम होगा तो फाई ज्यादा होगा, अगर आई कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। मतलब ये माइनर से माइनर करंट के लिए भी सेंसिटिव हो जाएगा, रिजल्ट आपको दिखाएगा, और फाई उसके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हम यहां IS = φ, और फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो फाई को अगर हम रिप्लेस करें, ठीक है, तो फाई अपॉन आई है, तो फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला से देखें तो हम फाई की जगह लिख सकते हैं NAB, ठीक है, NAB I / K। फाई की जगह हम ये लिख सकते हैं, इस फाई के वैल्यू को यहां पुट कर दी, ये जो फाई है
जो फाई अपॉन आई आया है, इस फाई के जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एन ए बी आई बाई के, ठीक है, और ये नीचे जो आई है तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो आई एस इज इक्वल टू मिलेगा एन ए बी अपॉन के। तो करंट सेंसिटिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो टर्न है इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, एरिया, इस कॉइल का एरिया कितना है उस पर। बी, कितना आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और के, के क्या था, तो यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट टॉर्क, मतलब के यहां पर है स्प्रिंग से रिलेटेड, कि ये यूनिट डिग्री पर कितना टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो के बढ़ाने के लिए हम लोग सॉफ्ट स्प्रिंग यूज करते हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग, तो सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के जो है वो कम होता है। जब सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के कम होगा तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी इन सारे चीज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए जब हम लोग काम करेंगे, तो वोल्टेज के लिए जैसे करंट है तो फाई अपॉन आई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा फाई अपॉन वी, और वी एस इज इक्वल टू फाई अपॉन वी, और वी होता है ओम्स लॉ से हम जानते हैं आई इंटू आर, तो वी एस इज इक्वल टू फाई, और फिर से फाई के वैल्यू को पुट कर दीजिए, फाई के वैल्यू को फिर से पुट कर देंगे तो एन ए बी आई बाई के और इंटू आई आर, तो फिर से आई कैंसिल हो गया, तो वी एस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। तो यहां पर एन ए बी के तक तो यही है, एक और चीज यहां इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये दो तरह का सेंसिटिविटी है जो हम लोग गैल्वेनोमीटर में देखते हैं। अब इसके बाद मुद्दा ये आता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करें और वोल्टमीटर में कैसे चेंज करें। तो ये देखिए, ये बोर्ड बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखें, लोग टॉपिक समझेंगे गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, जो कि बोर्ड बेसिस पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में और वोल्टमीटर में। तो एमीटर और वोल्टमीटर एक्चुअली में क्या होता है कि, ठीक है, तो एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर जो करंट को मेजर करता है और वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है। तो एमीटर, गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर बनाना है, तो हम काम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमीटर के लिए, फॉर एमीटर, ठीक है। एमीटर के लिए क्या काम करेंगे, तो जैसे ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, और इस रेजिस्टेंस का नाम रखेंगे हम लोग शंट, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर में हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, और इस रेजिस्टेंस का नाम हम लोग क्या रखेंगे, शंट, एस एच यू एन टी, ठीक है, एस एच यू एन टी, शंट, इस शंट को हम लोग जोड़ देंगे। तो अब जब हम जोड़ेंगे तो ये एज ए एमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एमीटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसमें करंट का क्या रोल है, देखिए जैसे ही यहां पर, तो करंट के पास दो रास्ते हैं, तो यहां पर करंट आई जी, यहां पर भी करंट आई जी, इस तरफ करंट हो जाएगी आई माइनस आई जी, यहां पर भी आई माइनस आई जी, यहां पर भी आई माइनस आई जी, और फिर दोनों करंट यहां मिलेगी और फिर यहां फाइनली आई। तो अब देखें, तो यहां पर हम जानते हैं कि इन पैरेलल, ठीक है, यहां पर हम काम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, इन पैरेलल वोल्टेज आर सेम, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो वी जो जी के अक्रॉस होगा, जो वोल्टेज जी के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज शंट के अक्रॉस होगा, जो वोल्टेज यहां पर वही वोल्टेज यहां पर। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर जी, और शंट के पास जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। अब यहां पर देखें, तो हम अगर हम निकालने की कोशिश करें,
तो हम जी के वैल्यू को निकाल सकते हैं या एस के वैल्यू को या किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर काम ये करेंगे कि अगर हम एस के वैल्यू को या इसे हम एस को यहीं रहने दें और बाद बाकी को यहाँ भेज दें तो आई माइनस आई जी, ठीक है, आई माइनस आई जी कर देंगे तो एस निकल जाएगा। या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, ठीक है, एक काम और कर सकते हैं कि अगर हम जी को इधर ही रखें, ठीक है, जी को इधर ही रखें तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस अपॉन आई जी, ठीक है। तो अब देखें तो ये फाइनली हमें क्या रिजल्ट देगा, जी इज इक्वल टू आई अपॉन आई जी माइनस वन इंटू एस, ठीक है। तो ये हमें एक रिलेशन निकल कर आ गया गैल्वेनोमीटर और शंट के बीच का, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है तो पैरेलल हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/G + 1/S, ऐसे करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम एमीटर के बाद काम करते हैं किसके लिए, तो वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है। एमीटर के बाद काम कर रहे हैं हम किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर में हम इसे कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए वोल्ट मीटर में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर के हम साथ रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है। तो जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब जगह एक जैसी होगी लेकिन वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज है वो हो जाएगा V1 + V2, इतना दूर V1 वोल्टेज होगा और इतना दूर V2, तो V इज इक्वल टू V1 + V2। अब यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू G + S टोटल रेजिस्टेंस, और V1 यहां पर क्या हो जाएगा तो IG प्लस V2 क्या हो जाएगा I × R। यहां पर जो V है इसे V ही अगर रहने दें तो V इज इक्वल टू IG + IR, तो V इज इक्वल टू अगर हम I कॉमन ले लें तो G + R, ठीक है, तो V upon I, ठीक है, तो V upon I इज इक्वल टू हो जाएगा G + R। तो G अगर हम निकालें तो G हो जाएगा V upon I - R, ठीक है। तो G इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, G इज इक्वल टू V upon I - R। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, गैल्वेनोमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो, और जो रेजिस्टेंस आपने, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है, ये हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और जी इज इक्वल टू V upon I - R, अगर हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R + G, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो इस दो प्रोसेस से, इस दो तरीकों से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आपको गैल्वेनोमीटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है इससे प्रीवियस लेक्चर तो ज़रूर देखें आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के हर एक लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर कहें सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ लेक्चर देखने के लिए और नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।